अमोंग द फॉलोइंग जो कॉम्प्लेक्सेस है के टू पी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताने, यानी सब में पेड़ होने चाहिए। देखिए गाइस, अभी मैं आपको एक चीज देखते हैं कि फिलहाल जो सी एन है इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एन एस थ्री है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। सिमिलरली जो ये सी ओ ओ है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एच टू ओ वीक फील्ड लिगेंड है, पी टी सी एन सिक्स ये सी एन सी एन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एच टू ओ वीक फील्ड लिगेंड है। सो गाइज वन बाय वन देखते हैं, पहला है आपका एफ ई सी एन सिक्स, अब थ्री है बाहर के थ्री या अंदर माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, सी एन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एफ ई इसमें आपका है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में। आई होप गाइज आप निकाल ही लेंगे डायरेक्ट सी एन माइनस सिक्स में एफ ई माइनस सिक्स, क्योंकि सी एन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एफ ई माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री एफ ई प्लस थ्री हो जाएगा। तो एफ ई प्लस थ्री का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ए आर थ्री डी फाइव, राइट। सो वन टू थ्री फोर इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं डालूं तो वन, अब देखिए इसमें सी एन है पेयरिंग होगी, पहले तो अभी मैं ऐसे बना लेता हूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव, राइट। अब क्योंकि इसमें क्या है सी एन आया तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इधर राइट। सो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, समझ में। तो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो पहला तो आपका नहीं होगा, राइट। अब आप ऑप्शन देख लें, के तो है नहीं तो ए भी नहीं हो सकता एंड बी भी नहीं हो सकता, राइट। आप ऐसे सोल्व किया करें गाइस क्वेश्चंस को। नाउ अब दूसरा देखता हूँ सी ओ एन एस थ्री, अब देखिए इसमें देखिए सी ओ एन एस थ्री सिक्स बाहर माइनस थ्री है तो ऊपर यहाँ प्लस थ्री हो जाएगा, राइट। तो सी ओ की इसमें प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट होगी ऑब्वियसली, तो सी ओ प्लस जो सी ओ प्लस है इसका प्लस थ्री इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा ए आर थ्री डी सिक्स, राइट। अगेन आप क्योंकि आगे देखिए वन टू थ्री एंड फोर, अब देखिए एन एस थ्री क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगेन पेयरिंग हैपेंस, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स है पेयरिंग होगी, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो इसका कैसे बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, समझ में आ रहा है आपको, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, तो क्या है कि ये डायमैग्नेटिक हो गया क्योंकि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हियर, सो इसका मतलब आपका एल तो है, तो यानी एल ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, फिलहाल अभी मेरा कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ है। अगला ऑप्शन है मेरा देखता हूं एन ए थ्री सी ओ ओ एक्स थ्री, राइट। नाउ ये थ्री ये हटा दू तो इधर माइनस थ्री आ जाएगा, राइट। ओ एक्स क्या है गाइज, सिंपली ऑक्सलेट, ऑक्सलेट एक बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये दो नेगेटिव साइड्स हैं, ये जो जो इलेक्ट्रॉन से डोनेट करती है, राइट। सो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको ये याद रखिएगा। तो सी ओ ओ एक्स थ्री हो गया, फिलहाल मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ओ एक्स क्या है इसमें ये याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सी ओ माइनस थ्री, देखिए इसमें क्या था सी ओ का क्या था, इसमें माइनस टू था, तो सी ओ माइनस टू माइनस सिक्स दो चार से ना ओ एक्स पे इक्वल टू माइनस थ्री, तो सी ओ इक्वल टू प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में हो गया, वही सिमिलरली सी ओ क्या हो गया प्लस थ्री ए आर थ्री डी सिक्स, राइट। अगेन वही बना दे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जैसा अभी पहले बताया था मैंने आपको पिछले केस में, तो वन टू थ्री फोर ये सिक्स है फाइव एंड सिक्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी क्या है डायमैग्नेटिक हो गया, तो यानी आपका जो एम है इज डायमैग्नेटिक, तो इसके हिसाब से भी ये भी सोल्व नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ ऑप्शन एन आई एच टू ओ सिक्स प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ देखिए सॉरी प्लस टू, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू था, ये प्लस टू का जीरो हो गया, तो एन आई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एन आई प्लस टू का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ए आर थ्री डी एट, क्योंकि राइट तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डोनेट कर दिए थे आउटर मोस्ट में, देखते हैं वन टू थ्री एंड फोर। अब देखिए एच टू इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ओके, सो अनपेयर नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, इसके बावजूद यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी पेयरिंग नहीं होगी, दो अनपेयर्ड हैं, ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये नहीं है एन नहीं है, अब देखिए एन नहीं है तो ये यही कैंसिल हो गया, मेरा सी ऑप्शन आ गया आंसर करेक्ट। समझ में आया आपको कैसे करना है, सारे देखने नहीं होते गाइस, आप वन बाय वन देख लें, लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी के दो ऑप्शंस करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है, राइट, कोई अभी एग्जाम नहीं चल रहा है ये, लेकिन आपका ऑप्शन यहीं पे आ गया, आप समझ गए होंगे कैसे कह रहा हूं मैं। सो अगेन अगला जो है आपका पी टी सी एन फोर माइनस टू हो जाएगा, सॉरी सी टी पी टी सी एन फोर ही होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। सो अब इसमें पी टी माइनस फोर इक्वल टू जो प्लेटिनियम है आपका प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो पी टी का जो एटोमिक जो इलेक्ट्रॉन एटोमिक नंबर है 78, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स ई फोर एफ फोर्टीन
5d9 6s1। अब इसने क्या हुआ, चार इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, छोड़ दिए, तो xe4f14। अब देखिए चार इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, एक ये कर दिया, तीन यहां से कर देगा, तो 5d6 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 एंड 4। अब देखिए क्योंकि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। डायमैग्नेटिक है, कोई जो पेयरिंग है हो रही है डायमैग्नेटिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ओ है वो हो गया, ये राइट, ये भी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे था। सिमिलरली जो ZnH2O NH3 है वो कैसे करेंगे, देखिए इस केस में भी जो Zn है उसका जो जो HNO3 है बाहर क्या हो जाएगा, ZnH2O6 बाहर HNO2 है, HNO3, देखिए HNO3 आप ऐसे याद कर ले, H प्लस NO3 पे माइनस, NO3 दो है यानी NO3 पे -2, तो बाहर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। तो Zn पे इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है क्योंकि H2O की 0 है, तो Zn का जो हो जाएगा, Zn होता है आपका 30 एटॉमिक नंबर, तो Ar3d10 4s2, तो Zn +2 क्या हो जाएगा, Ar3d10, राइट। तो इसमें तो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स ही है, 1 2 3 4, तो आप देख ही सकते हैं H2O वीक फील्ड लिगेंड है हालांकि, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो पी भी है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये वही केस हो गया गाइस जो मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि हालांकि वीक फील्ड लिगेंड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बनाते हैं और ज्यादातर केसेस में, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज बनाएंगे, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे अब इस केस में देखें तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी इस केस में क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, इंस्पाइट ऑफ कि जो बनेगा बाद में वीक फील्ड लिगेंड का केस था। तो हमेशा ट्रू नहीं होता, ऑप्शन टू ऑप्शन डिपेंड करता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से आप सीख पाएंगे कि किस केस में आपको क्या यूज करना है।